दिल्ली मेट्रो में नाम मात्र के कपड़े पहनकर सुर्खियों में आई रदम चनाना की कहानी काफी सनसनीखेज है। वह एक पारंपरिक और रूढ़िवादी परिवार से आती हैं और घर वालों को उसकी इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खुद रिदम ने मीडिया से बातचीत में इस बात को स्वीकार किया कि उसके घर वालों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कारण है कि उसकी अपने घर वालों से बनती भी नहीं है। उसका कहना है कि वीडियो वायरल होने के बाद उसे धमकियां भी मिल रही हैं। खुले विचारों वाली रिदम पंजाब के फतेहगढ़ साहब की रहने वाली हैं और दिल्ली के कॉलेज से एक्टिंग का कोर्स कर रही हैं। वह लंबे समय से दिल्ली में अकेले रह रही हैं। उसकी ख्वाहिश है कि वह फिल्मी दुनिया में एक बड़ी एक्ट्रेस बनकर नाम कमाए। रिदम अपनी मर्जी की मालिक है। पहले वह पारंपरिक कपड़े ही पहनती थी, लेकिन अब वह बेझिझक ऐसे कपड़े पहनती है जिसमें वह काफी बोल्ड दिखाई दे। दिल्ली मेट्रो का सफर भी उसकी इसी मंशा की वानगी है। रिदम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ऐसे फोटो की मार है जिसमें वह कम कपड़ों में दिखाई दे रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद उसे इंस्टाग्राम फॉलोवर की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। हालांकि वह बॉलीवुड की बोल्ड ब्यूटी उर्फी जावेद से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। कह सकते हैं कि उसका अपना एक अलग अंदाज है। वह बड़ी मॉडल बनना चाहती है। कम कपड़ों को लेकर लोगों की आपत्ति पर रिदम कहती हैं कि आपत्ति तो वीडियो बनाने वाले व्यक्ति पर भी होनी चाहिए। हालांकि रिदम की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद तो लोगों को सबसे पहले उर्फी जावेद ही ध्यान में आई थी। उर्फी भी हमेशा अपने कपड़ों के कारण ही सुर्खियों में रहती है। अधिकतर लोगों का यही रिएक्शन था कि यह लड़की उर्फी जावेद से प्रभावित है।